सोलन में भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा की गई। वहीं भाजपा द्वारा कोविड काल में जनता के लिए क्या कार्य हो रहे हैं, इस स्तर पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा आने वाले चुनावों के लिए किस प्रकार से अपने आप को और मजबूत और सक्षम बना सके, आने वाले चुनावों में महिला मोर्चा किस तरह इस जीत में अपना योगदान देगी, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी और बताया कि प्रदेश सरकार विकास के नए आयाम लिख रही है और जीत उसकी सुनिश्चित है। देश में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक को जो विरोध किया जा रहा है वो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध केवल गिने चुने दो राज्य ही कर रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसान को भ्रमित किया जा रहा है। वास्तव में कृषि बिल किसानों के हित में है, ये स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, मंडियां पहले की तरह ही काम करेगी, किसान स्वतंत्र होगा कि वो अपनी फसल को मंडी में बेचे या फिर कहीं और बेचे। उन्होंने कहा कि सरकार केवल मंडियों से ही अनाज खरीदेगी, बिचौलियों से किसानों को मुक्ति दिलाना भाजपा का पहला लक्ष्य रहेगा। राज्यों में क्या मैं कहना चाहूँगा, एक दो राज्यों में किसान बिल का कुछ किसान विरोध कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक इन कृषि बिलों की अगर हम बात करें, इसमें जो मुद्दा अभी किसान कुछ क्षेत्रों में उठा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि इस बात ये बात तो किसान बिलों में स्पष्ट है कि सरकार MSP को बंद नहीं कर रही है, MSP पूर्व की तरह जारी रहेगा। दूसरी बात, कृषि मंडियाँ पहले की तरह जारी रहेंगी, किसान इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वो कृषि मंडी में अपनी उपज को बेचें या ओपन मार्केट में बेच सकें। दूसरा, जो सरकार परचेज करेगी वो कृषि मंडियों से ही करेगी, बिचौलियों से मुक्ति दिलाना इस बिल का मुख्य लक्ष्य था और ये लक्ष्य लेकर ही इस बिल को लाया गया। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया कि MSP को बंद किया जाएगा, कृषि मंडियों को बंद किया जाएगा, और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इन बिलों को लाया गया।